अन्योन्य प्रेरण की घटना, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। इसमें हम दो प्रकार की कुंडलियां और परिपथ संयोजित करते हैं। इस प्रकार से एक कुंडली, उसका संबंध एक बैटरी से कर देते हैं और बैटरी का संबंध एक कुंजी के द्वारा और इसके साथ में एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं और इसी के पास में एक दूसरी कुंडली रख देते हैं। इसके साथ में गैलोमीटर धारामापी जोड़ देते हैं। इसको हम प्राथमिक परिपथ कहेंगे पी और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी परिपथ, द्वितीय परिपथ। अब इसी के लिए दूसरी एक प्रकार की कुंडली और होगी, इस प्रकार से यहां पर हम कुंजी को खुला छोड़ देंगे, यहां पर यह सिंबल आरएच धारा नियंत्रक को प्रदर्शित कर रहा है और इसके साथ में द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली के साथ में एक धारामापी गैलोनोमीटर लगा देंगे। तो यहां पर यह प्राथमिक परिपथ है और यहां पर यह सेकेंडरी परिपथ है। तो हमें यह याद रखना है कि प्राथमिक परिपथ में पी होगा प्राथमिक परिपथ, इसमें हम बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक, बी बैटरी, आर एच यहां पर धारा नियंत्रक और के कुंजी, ये तो प्राथमिक परिपथ में लगाए जाएंगे और सेकेंडरी परिपथ में फर्स्ट पॉइंट और सेकेंडरी परिपथ में द्वितीय परिपथ में सिर्फ जी गैलोमीटर धारामापी लगाएंगे। अब हम जब प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने के कारण पास वाला जो द्वितीय परिपथ है इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब हम प्राथमिक परिपथ में कुंजी के को यहां पर इस प्रकार का सिंबल है, इसका मतलब कुंजी को हमने बंद कर दिया, तो बंद करने पर जो सेकेंडरी परिपथ है एस परिपथ में इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, विक्षेप, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। जब प्राथमिक परिपथ में कुंजी खुली है, प्राथमिक परिपथ इसमें कुंजी खुली है, इसमें किसी प्रकार का हम चिन्ह नहीं बता रहे, इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसमें सेकेंडरी परिपथ में विक्षेप उत्पन्न होगा लेकिन पहले के विपरीत। तो यहां पर विक्षेप पहले के विपरीत प्राप्त होगा। तो इसके द्वारा अन्योन्य प्रेरण की घटना को हम किस प्रकार से समझाएंगे, कुंडली या परिपथ में आई धारा प्रवाहित करेंगे, तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, द्वितीय कुंडली में एस में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा।
और जिसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस प्रकार की घटना को हम अनुनय प्रेरण की घटना कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अनुनय प्रेरण गुणांक या अनुनय प्रेरकत्व। अनुनय प्रेरण गुणांक या इसका दूसरा नाम है अनुनय प्रेरकत्व। इसको हम M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान किस पर निर्भर करता है? प्रथम पॉइंट इसके लिए प्राथमिक कुंडली में धारा I1 और द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाइव टू, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वह I1 धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, फाइव टू समानुपाती I1। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर एक नियतांक लग जाएगा फाइव टू बराबर एम आई वन, और यहां पर M है उसी को हम अनुनय प्रेरण गुणांक या अनुनय प्रेरकत्व कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है फेराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, फेराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डी फाइव टू अपॉन डी टी। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल फेराडे का द्वितीय नियम। अब फाइव टू की वैल्यू हम यहां से ये रख देंगे एम आई वन ई बराबर डी माइनस डी अपॉन डी टी, फ्लक्स में परिवर्तन एम आई वन हो रहा है तो यहां पर एम आई वन, तो इसको दोबारा किस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। अगर हम इसको परिमाण के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से E M d I अपॉन dt। तो यह संबंध प्रेरित विद्युत वाहक बल और अनुनय प्रेरकत्व में है। अब इसका मान किस पर निर्भर करता है? M का मान कुंडलियों की ज्यामिति पर निर्भर करता है, कुंडलियों की ज्यामिति। अर्थात यह उनके आकार आकृति और फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा। सेकेंड पॉइंट है इसका यह कुंडलियों के अभिविन्यास पर निर्भर करता है, कुंडलियों के अभिविन्यास पर। तीसरा है यह कुंडलियों के मध्य या उनके मध्य क्रोड के अंदर रखे पदार्थ पर, अंदर क्रोड पर रखे या अंदर रखे क्रोड पर निर्भर करता है, और कुंडियों के मध्य दूरी कितनी है उस पर निर्भर करता है, कुंडियों के मध्य दूरी। इस प्रकार से जो M का मान है वह
इन चार कारकों पर निर्भर करेगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि M का मान चार कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम दो परिनालिकाओं की बात करें तो उनको आपस में संयुग्मित कर दें या उनको आपस में युग्मित कर दें तो इनका मान किस प्रकार से होगा। दो परिनालिकाओं को आपस में समाक्ष रूप में रखने पर या आपस में उनको युग्मित करने पर दो परिनालिकाओं में दे अन्योन्य प्रेरकत्व किस प्रकार से होगा। तो यहां पर हम दो कुंडियों की बात करेंगे। इस प्रकार से और इसी के साथ में एक दूसरी कुंडी और लगाएंगे युग्मित के रूप में। इस प्रकार से तो यह इसके लिए प्राथमिक दोनों प्राथमिक हो जाएगी और ऊपर वाली इसके लिए सेकेंडरी द्वितीय परिनालिकाएं हो जाएगी। तो ये आपस में एक दूसरे से समाक्षी रूप से या युग्मित रहती है। अब इसका मान किस प्रकार निर्भर करेगा, तो इनको आपस में पीपी को प्राथमिक और एसएस को सेकेंडरी द्वितीय, पीपी व एसएस सेकेंडरी समाक्षी परिनालिकाएं हैं। अब इनके लिए जो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या वह किस प्रकार से होगी। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n1 इक्वल n1 अपॉन l1 और n2 इक्वल n2 अपॉन l2। n स्मॉल n है, यहां पर एकांक लंबाई फेरों की संख्या होता है n1 के लिए और ये है n2 के लिए। यदि हम इनका दोनों जो परिनालिकाएं इनका क्षेत्रफल समान या a1 a2 के बराबर माने तो इनका क्षेत्रफल a1 बराबर a2 बराबर a हो। तो अब जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, प्राथमिक कुंडली में i1 धारा प्रवाहित करेंगे, प्राथमिक कुंडली में i1 धारा, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र B1 वह म्यू जीरो एन वन आई वन होगा। अब इसी के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है बी वन ए, उसका चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल का गुणनफल। तो यहां पर बी वन ए, अब हम यहां पर बी वन की यह वैल्यू यहां पर रख देंगे तो इस प्रकार से म्यू जीरो एन वन आई वन और ए, ए इसके लिए क्षेत्रफल होगा। यह तो हम प्राथमिक कुंडली में, अगर द्वितीय कुंडली की बात करेंगे तब द्वितीय कुंडली में एन टू फेरे हो तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वह फाइव टू होगा। तो फाइव टू के लिए म्यू जीरो एन वन एन टू आई वन और ए,
ये इसके लिए द्वितीय कुंडली में अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और N2 फेरे हो तो इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान इस प्रकार से होगा। अब हमें जो अन्योन्य प्रेरित हुए उसका मान निकालना है तो किस पर निर्भर करेगा, M इक्वल फाइव टू अपॉन आई वन, एम यहां पर अन्योन्य प्रेरित हुए फाइव टू अपॉन आई वन के बराबर होगा। अब हम यहां पर फाइव टू का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है द्वितीय कुंडली में वह मान रखेंगे म्यू जीरो एन वन एन टू आई वन और ए अपॉन इसके लिए आई वन, यहां पर आई वन। अब आई वन का आई वन से कैंसिल कर देंगे कट जाएगा तो यहां पर म्यू जीरो एन वन एन टू ए ये हमारे पास में इसका मान प्राप्त होगा। यदि हम इसके लिए यदि L1 बराबर L2 बराबर L हो तो, अगर L1 और L2 का मान L हो तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला किस प्रकार से लिखेंगे, M इक्वल म्यू जीरो एन वन एन टू ए अपॉन एल, ये हमारे पास में इसका मान प्राप्त होगा। अगर इसको हम अपेक्षिक म्यू आर अपेक्षिक पारगम्यता में रखें तो किस प्रकार से होगा, अगर इसके लिए म्यू आर अपेक्षिक पारगम्यता का हो तो म्यू आर अपेक्षिक पारगम्यता हो तो रखने पर इसका मान किस प्रकार से होगा, तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा इसको हमें यहां पर म्यू आर से गुणा कर देंगे तो एम बराबर म्यू जीरो एन वन एन टू ए प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ में कोई भी अगर परावैद्युतांक के रूप में म्यू आर रख देंगे तो इसका m के साथ में गुणा कर देंगे तो इस प्रकार से जो m का अनुनय प्रेरकत्व मान होगा वह इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, जिसके अनुसार हमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अनुसार हमें यहां पर इसका मान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके लिए अगर तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तात्क्षणिक प्रेरित प्रत्यावर्ति विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित प्रत्यावर्ति विद्युत वाहक बल इसका मान हमें ज्ञात करना है किस प्रकार से, तो इसके लिए हम समान चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं B और इसके मध्य एक कुंडली रखते हैं इस प्रकार से, यह यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम इसको जब घुमाएंगे घुमाने के कारण इसके साथ में थीटा कोण बनेगा, जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे ये थीटा कोण के साथ में विक्षेपित हो जाएगा अर्थात कुंडली में किसी क्षण मतलब किसी समय उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होगा
उसी को हम टार्सनिक विद्युत दाब बल कहेंगे। उद्बन विद्युत वाहक बल टार्सनिक विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा, यदि थीटा से विक्षेपित हो तो इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा फाइ बराबर बी एन ए कोस थीटा। फाइ चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय सेक्टर, एन फेरों की संख्या, ए सेक्टर पर, और इसके लिए कोस थीटा का मान होगा। फेराडे के एन फेरे हो तो, यदि फेराडे के द्वितीय नियम से फेराडे का द्वितीय नियम किस प्रकार से होगा, ई माइनस डी फाइ अपॉन डी टी। अब हम जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है बी एन ए कोस थीटा, वो यहां पर फाइ की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, ई माइनस डी अपॉन डी टी। अब इसके लिए बी एन ए कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी के बराबर। अब हम वापिस इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस बी एन ए डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी। अब इसका जो अवकलन का मान होता है वह किस प्रकार होगा, डी अपॉन, क्योंकि डी अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी बराबर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि डी अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी बराबर होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो हम इसके जगह हम किसका मान रखेंगे, ई बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसके लिए मान आ जाएगा। ई का मान अधिकतम, विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम, विद्युत वाहक बल का मान अब किसके इक्वल हो जाएगा, यह इसके इक्वल हो जाएगा बी एन ए ओमेगा। अब इसकी जगह अधिकतम की जगह हम किसका मान रखेंगे, ई इक्वल ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहां पर बी एन ए ओमेगा यह मान अधिकतम मान किसके बराबर होगा, ई जीरो के बराबर होगा। तो इसकी जगह हमने यहां पर ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी का मान रख दिया। तो यह हमारे पास में मान प्राप्त हुआ है। ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी।